यदि आप कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन तो पीएसवी को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर और जनरल नॉलेज पर वीडियो पेश किए जाते हैं। और हाँ, यदि आप पाना चाहते हैं यहाँ पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीएसडी में। दोस्तों, मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में हिमाचल अलाइड के लिए कैसे प्रिपरेशन करें इस बात पर डिस्कस करने वाला हूं, और क्या सिलेबस रहता है मेंस का, कैसे कौन कौन से क्वेश्चन पेपर किस टाइप से आते हैं, तो वो सब डिस्कस करने वाला हूं, और कौन सी बुक्स मेरी ओर से आपके लिए बेस्ट रहेगी। बाकी आप हर जगह से भी सलाह मशवरा ले सकते हैं, लेकिन जितना मुझे जानकारी है उतना मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। और अगर आप स्टडी मटेरियल के पीडीएफ पाना चाहते हैं तो 9805223162 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और फेसबुक पर आप पीएसडी भाई पर मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जानकारी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्री की। तो प्री होता है आपका 200 नंबर का। 200 नंबर में आपका हिमाचल जीके में क्या क्या रहेगा वो भी बताऊंगा। 60 नंबर का हिमाचल जीके रहेगा, 60 नंबर का करंट अफेयर्स रहेगा। करंट अफेयर्स में कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, कई सारे इश्यूज होते हैं, वो भी बात करेंगे। और इंडियन हिस्ट्री, और 60-80 नंबर का होता है जो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, तो इनमें मतलब कौन कौन सा चीज, इन्वायरमेंट साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें, महात्मा गांधी अलग से टॉपिक होता है अलाइड में, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं हिमाचल जीके की बात। तो हिमाचल जीके में आपको हिमाचल की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, और यहाँ की आर्थिक स्थिति, यहाँ की सांस्कृतिक जो विविधताएँ हैं वो सब पता होना चाहिए। इसके लिए आप जो बुक मैं प्रेफर करूँ, आपको सजेस्ट करूँगा, तो जगमोहन ब्लोकरा जी को आप पढ़ सकते हैं। और जगमोहन ब्लोकरा हो गए आपके, और मियाँ गोवर्धन सिंह हो गए, ठीक है, इनको भी पढ़ सकते हैं आप हिमाचल जीके के लिए। ये आपका प्री और मेंस में दोनों कवर कर लेंगे, और बाकी इन पर ही डिपेंड मत करिएगा। आप जितने ज़्यादा हो सकेंगे मेरे हिसाब से पुराने क्वेश्चन पेपर अधिक से अधिक सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई हिमाचल जीके की टेस्ट सीरीज़ मिल जाए वो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ से काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो जाता है जीके, और रिवाइज भी हो जाता है। और जब भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं या पुराना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, जो उसमें क्वेश्चन होते हैं ना, उसका आप ना तो उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढ लिया करें बुक्स में और नोट्स बनाया करें, उससे ज़्यादा बेटर होता है रिवाइज। तो हिमाचल जीके के लिए आपको सजेस्ट करते हैं मैंने। तो अब आते हैं करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स मेन रोल है मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी, ठीक है। तो एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर अलाइड में मैथ, रीजनिंग, ये सब कुछ भी नहीं आने वाला, और इसका पेपर नॉर्मली ऑफलाइन रहता है, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा प्री, ठीक है। तो जो ये प्री में जो 60 नंबर का करंट अफेयर्स आएगा, इसके लिए आपको सबसे पहली बात है कि आपको अब जो एग्ज़ाम होना है ये होना है 18 में फरवरी या मार्च में, कभी भी हो सकता है मतलब, ठीक है। तो आपको 2017 का करंट अफेयर्स तो पूरा करना ही है, ठीक है। अब साथ के साथ इस तरह से स्टडी कीजिए कि आने वाले टाइम में कोई भी एग्ज़ाम दे तो आप अभी से ही मतलब डेली का करंट अफेयर्स अपडेट कीजिए। कोई भी जैसे जीके टुडे हो गया, करंट, कई सारे ऐप हैं, आप देख लीजिएगा, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहे हैं, तो आप उनके जरिए आप करंट अफेयर्स की डेली क्विज दे सकते हैं। और उनमें ऑनलाइन तैयारी एक ऐप है, वहाँ पर पुराने बहुत सारे मतलब जितने भी अब तक के क्विज होंगे उनके सब एक सेव रहते हैं, आप उनको देख सकते हैं। पूरे साल के महत्वपूर्ण जो तथ्य रहते हैं करंट अफेयर्स के, वो वहाँ पर सेव रहते हैं। और जैसे कोई घटना होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की, कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो मतलब प्रसिद्ध हो, विश्व प्रसिद्ध हो, ठीक है, या फिर कोई स्थान हो, जैसे कहीं पे कुछ हो जाता है, कोई बड़ी घटना हो जाती है, वो सब चीज़ें आपको बड़ी जानकारी भी, और मेंस में भी काम आती है आपके, ठीक है। मेंस में जो मेंस का पेपर होंगे उसके बारे में बात करेंगे बाद में। और साइंस का भी ऐसा एस्पेक्ट पूछा जाता है कि कोई इनोवेशन हुआ है तो उसके बारे में पूछ लिया जाएगा, या कोई मतलब किसी नए साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन की या कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई उसके बारे में पूछा जाता है, कंप्यूटर का कोई, मतलब हर तरह की जो साइंटिफिक होते हैं। सब्जेक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव बोलने का मतलब कि जो आपको बायोलॉजी पूछ लेगा या फिर केमिस्ट्री पूछ लेगा, ये सब नहीं आएगा, बट इनोवेशन मतलब जो इस फील्ड में कुछ नया हो रहा है उसके बारे में पूछ सकता है करंट अफेयर्स के लिहाज से। और स्पोर्ट्स को आप अच्छे से कवर कीजिए। स्पोर्ट्स में आपका हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, आपका फुटबॉल हो गया, और ओलंपिक 2016 वाला रियो जी डेनो रियो में जो ओलंपिक हुआ था उसको पूरी तरह से कवर कीजिएगा। वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आना जरूरी है। करंट अफेयर्स में ये ट्रेंड होता है कि ओलंपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, सारे मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। तो करंट अफेयर्स 60 नंबर का ये बहुत मेजर रहने वाला है आपके सिलेक्शन के लिए, प्री में सिलेक्ट होने के लिए आपको। और प्री में माइनस मार्किंग भी है इस बार, ये भी सोच के चलिएगा, पहले माइनस मार्किंग नहीं होती थी, इस बार से माइनस मार्किंग भी है। तो अब आते हैं जो तीसरा है 80 नंबर का, इसमें आएगा आपका इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री आपका 1857 के बाद की इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया पढ़नी है आपको, ठीक है। और इंडियन कल्चर और इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के लिए मैं एक लक्ष्मीकांत शर्मा जी की बुक्स सजेस्ट करूंगा, उसको भी पढ़ लीजिए, वहाँ पे आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और मॉडर्न इंडिया के लिए आप बिपिन चंद्रा जी की बुक्स पढ़िए, बाकी सैकड़ों पीडीएफ पढ़े हुए, सैकड़ों, जो आपको अच्छा लगे वो कलेक्ट कीजिए, ठीक है, और प्रिंट करिए, उसको अपने पास रखिए, उससे स्टडी कीजिए, ठीक है। बाकी अपने आप नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। और इंडियन इकॉनमी के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्त अंक आता है, और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के नोट्स है, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के, जो आपको अच्छा लगता है वो कलेक्ट कीजिए। और ज्योग्राफी के लिए इंडियन ज्योग्राफी आएगा, इंडियन इकोनॉमी आएगा, ठीक है, कोई वर्ल्ड की बात नहीं हो रही, सिर्फ इंडिया, मतलब आपको सिलेबस के हिसाब से स्टडी करनी है तो वो ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। ये प्री की बात हो रही है। और आपको एनवायरनमेंट साइंस भी कवर करके चलना है कि एनवायरनमेंट साइंस में कोई नए बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, पुराने जो हुए होते हैं उन सबको कवर करना है, ठीक है। और महात्मा गांधी एक अलग टॉपिक होता है प्री में, इसमें से
सात से आठ क्वेश्चन टपक जाते हैं, आ जाते हैं 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका 200 नंबर का पूरा हो गया। तो आप इसके लिए, और मैं आपको और सजेस्ट करूंगा कि जैसे यूट्यूब के जरिए आप जैसे डिजिटल स्टडी, आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाह रहे हैं तो आपको यूट्यूब के जरिए ऑनलाइन कोचिंग मिल सकती है। आपको कोई दूर, कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं, दिल्ली या चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है कोचिंग लेने के लिए। आप घर में बैठे कोचिंग ले सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा कुछ यूट्यूब चैनल का जो काफ़ी बहुत अच्छे हैं। यूएन अकेडमी हो गया, आपका स्टडी आईक्यू हो गया, ये सब लोग ऑनलाइन कोचिंग देते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे। हर सब्जेक्ट पे अलग अलग वीडियो है, ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में उन्होंने सब चीज़ चेप दिया है, ऐसा नहीं है। इन लोगों ने बड़े सिस्टमेटिकली, मतलब जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते हैं ना उस तरह से पढ़ाते हैं सब्जेक्ट को बड़े विस्तार से। अगर आप रेगुलर इन लोगों को फॉलो करते हैं ना तो आपको एक हिसाब से कोचिंग हो जाती है वो। तो इनको भी फॉलो कीजिए और अपने तरीके से भी पढ़िए, बाकी सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। तो ये प्री का हो गया कंप्लीट। तो अब आते हैं मेंस पे। मेंस में सबसे पहले बात करेंगे हम हिंदी के क्वेश्चन पेपर की। आपको इतना तो मालूम ही होगा कि तीन पेपर होते हैं मेंस में, तो एक जीके का होता है, एक हिंदी का होता है, एक इंग्लिश का होता है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ हिंदी की। और जो हिंदी का पेपर होगा ये 150 नंबर का होगा, ठीक है, 150 नंबर का। तो इसमें जो आएगा, इसमें 30 नंबर का अनुवाद आएगा। एक एक पैराग्राफ दिया होगा, उसको आपने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना है उसका, ठीक है। ये 30 नंबर का होगा, दो होंगे, दो में से कोई एक करना है। और जो अगला प्रश्न आएगा वो आएगा 15 नंबर का। 15 नंबर का कोई एक प्रोज होगा दिया हुआ आपके पास, ठीक है, गद्यांश, उसको आपने मतलब व्याख्या करनी है उसकी, ठीक है। ये 15 नंबर की है, ठीक है। एक आता है गद्यांश, एक गद्यांश प्रोज, ठीक है। अब आता है पद्यांश, एक आता है पद्यांश पोइट्री। तो पोइट्री भी 15 नंबर का आता है एक। तो इसमें दो रहते हैं, दो में से एक करना होता है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं 60 नंबर यहाँ तक के पूरे। और अब आता है एक ऐसे, हिंदी में एक ऐसे लिखना है आपको 40 नंबर का, ठीक है। इसमें वर्ड लिमिट नहीं बताई हुई है, लेकिन आपको ऐसे लिखना है लगभग यही कोई 300-350 वर्ड में, ठीक है। तो उसके बाद आता है 20 नंबर का वाक्य, वाक्य दिए होंगे आपको, उनको शुद्ध रूप में लिखना है। 20 नंबर के 10 होंगे दिए हुए, उनको आपने 10 के 10 को करना है और 20 नंबर के होंगे वो, ठीक है। और फिर आता है थोड़ा सा व्याकरण। व्याकरण में ये 4 भाग है, मुहावरे आएंगे 10 नंबर के, और 10 शब्दों का हिंदी में अर्थ आएगा लिखने को, ठीक है। 10 अंग्रेजी के शब्द होंगे वो, उनका आपने हिंदी में लिखना है, ठीक है। और वाक्यों के लिए एक शब्द, जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होते हैं जो इंग्लिश में वैसे हिंदी में भी होते हैं, तो वो भी आएंगे 5 नंबर के। और 5 शब्दों के विलोम शब्द लिखने, ठीक है, ये भी आएंगे 5 नंबर के। तो आप ये 150 नंबर का हिंदी का हो गया। तो हिंदी के लिए मैं बुक सजेस्ट करूँगा, या हिंदी के लिए तो मैं ये है ना कि आपने शायद स्कूलिंग में पढ़ी है, प्लस टू तक या 10th तक तो पढ़ी होगी, है ना। तो आपने वहाँ पे प्रोज और पोइट्री वहाँ तक तो कवर किया है, बाकी आप ना न्यूज़पेपर पढ़ते ही होंगे, उससे ये सब चीज़ें कवर हो जाती हैं ऐसे उसे के लिए, तो ठीक है। और जो बाकी ये व्याकरण है, व्याकरण के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण की एक किताब है, PDF है मेरे पास, वो भी मैंने शेयर किया हुआ है। और लूसेंट की जो किताब है वो भी काफ़ी अच्छी है, तो मतलब बहुत अच्छी है हिंदी व्याकरण की, ये PD वाली भी और लूसेंट वाली भी, ठीक है। ये मतलब सब एस्पिरेंट्स की चॉइस की किताब है, ये काफ़ी अच्छी दोनों, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंग्लिश की, ठीक है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताता चलूँ साथ के साथ कि मेंस में एक कंडीशन ये भी है कि आपको जो ये अलग अलग पेपर होंगे ना, 150, 200 नंबर का हिंदी, हिंदी इंग्लिश और GK का, तो इनमें सेपरेटली अलग अलग से 35-35% मार्क्स लाने कंपलसरी है। अगर ये आप किसी में 35% से, मतलब 35% बैठता है आपका 52.5, मतलब 53 नंबर मान के चलिए, अगर आपके किसी भी पेपर में 53 से कम मार्क्स आ जाते हैं और बाकियों में आपके चाहे 100 से 120 से भी ऊपर आ जाते हैं, तो आप मतलब फेल माने जाएंगे, ठीक है। और ओवरऑल लाने आपको 40% टोटल जितने भी बनेंगे ना तीनों सब्जेक्ट के कुल मिला के, उनमें से 40% मार्क्स लाने, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा आप अपने माइंड में। तो चलिए बात करते हैं इंग्लिश की। तो इसमें एक पैसे आएगा, पैसेज आएगा, तो ये 18 नंबर का होगा, 5 प्रश्न होंगे। पिछले साल तो 5 थे, लेकिन आगे कितने रहते हैं पता नहीं, लेकिन पिछले साल 18 थे। तो इंग्लिश में भी 150 नंबर का ही आएगा। और ये सब पेपर दोस्तों डिस्क्रिप्टिव होते हैं मेंस के, ठीक है, ये MCQ बेस्ड नहीं होते, प्री होता है सिर्फ MCQ बेस्ड, ठीक है। तो ये आपको पेन और पेपर, पेन की सहायता तो लेनी होती है प्री में भी, लेकिन ये है कि आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न जो आएगा इंग्लिश में वो आएगा, आपके पास एक पैराग्राफ दिया होगा उसका प्रिसाइज करना है उसको, ठीक है। 300 वर्ड का एक पैराग्राफ होगा, उसको आपने पैसेज होगा, उसको आपने उसका 1/3 लाना है, मतलब 100 वर्ड में प्रिसाइज करना है उसको, ठीक है। ये 22 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके 40 नंबर। और 40 नंबर का आपको एक ऐसे लिखना पड़ेगा हिंदी में, 3 टॉपिक दिए होंगे उनमें से किसी एक पर ऐसे लिख लो आप, ठीक है। तो ये 250 शब्दों में लिखना है, 250 वर्ड्स, ठीक है। और आपको 5 सेंटेंस दिए होंगे, जो एक अगला प्रश्न आएगा, 5 सेंटेंस दिए होंगे, उनको उन्हीं उसके सिमिलर मीनिंग में लिखना होगा, ठीक है। दो दो नंबर का होगा, 5 जाएंगे तो ये 10 नंबर का होगा। और एक सेंटेंस दिया होगा, एक प्रश्न ऐसा आएगा कि एक सेंटेंस दिया होगा, उससे संबंधित 5 अलग अलग ग्रामेटिकल प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये भी होंगे 10 नंबर के, दो दो नंबर का होगा एक, ठीक है। और एक प्रश्न होगा ऐसा कि वर्ब दी जाएगी आपको, तो उनको आपको चेंज करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, कि कौन सी फॉर्म में चेंज करने के लिए, तो अपनी वर्ब को भी स्ट्रॉन्ग कर दीजिएगा, ये 10 नंबर की। बाकी इंग्लिश के लिए आपको बता दूँ, डेली न्यूज़ एनालिसिस में जो आप देखते हैं ना, द हिंदू की, आपके इन लोगों की, UN अकेडमी वालों की, या स्टडी IQ वालों की, और भी बहुत सारे हैं,
वाई फाई स्टडी एक यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छा है, नया नया चैनल है तो बहुत अच्छा है वो भी, ठीक है, वाई फाई स्टडी देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो वो लोग भी मतलब डेली एनालिसिस होते हैं उनके, तो उसमें ऐसे ऐसे वर्ड कवर करते हैं वो जो काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 5 वर्ब्स है, ठीक है। तो उसके बाद आता है एक चेंज द वॉइस, ठीक है, ये 10 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, और इंट्रोगेटिव, प्रिपोजिशन और आर्टिकल्स, 3 अलग अलग पैराग्राफ आएंगे 10 10 नंबर के, ठीक है। इंटरोगेटिव आपको उसमें इंटरोगेटिव एडजस्ट करनी है, कोई स्टोरी होगी दी हुई इसमें फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ठीक है, उसको फिल करना है आपको, ठीक है। तीनों में, एक में आपको इंटरोगेटिव फिल करना है, एक में प्रिपोजिशन, एक में आर्टिकल्स, मतलब पूरे में कम से कम 10 10 होंगे, इंटरोगेटिव वाले में भी 10, प्रिपोजिशन वाले में भी 10 और आर्टिकल्स वाले में भी 10। बाकी जो इसके लिए किताब है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए कोई पर्टिकुलर किताब नहीं है, इंग्लिश के लिए यार कोई भी पढ़ लो आप, ठीक है। एक पैरामाउंट की किताब है, उसका पीडीएफ है, लिंक टू पैरामाउंट, उसको भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी है, उसमें सब सारे एस्पेक्ट्स क्लियर है इंग्लिश के। बाकी यार ऐसे आपको इंग्लिश में लिखना, प्रिसाइज करना है या फिर पैराग्राफ, तो इसके लिए तो आपको डेली न्यूज़पेपर, डेली एनालिसिस करनी होगी न्यूज़पेपर की, ठीक है। न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो न्यूज़पेपर से ज़्यादा अच्छी स्टडी हो सकती है। तो चलिए, तो ये 150 नंबर, तो आप ये माइंड में बैठा दिए, 35% मतलब 53 नंबर लाने कंपलसरी है, तब जाके हम आगे शॉर्ट लिस्टेड हो पाएंगे इंटरव्यू के लिए। अदरवाइज हम जीके में चाहे तो 120 140 150 नंबर ले आएँ, ठीक है। तो हमारे को हर पेपर को क्वालिफाई करना जरूरी है। तो चलिए आते हैं जीके में, इसके जीके के पेपर में ये जरूरी है जानना, ठीक है। तो दोस्तों जो मेंस का पेपर रहेगा ये 200 नंबर का रहेगा, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा टोटली, और दोनों लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। वो कंडीशन रहेगी क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा, ठीक है। तो जो इसका जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा किस तरह से आएगा, तो इसमें एक क्वेश्चन पेपर पैटर्न ये है कि जो पिछले साल का देख रहा था मैं, तो इसमें 80 प्रश्न थे, 80 प्रश्न पहले, 80 प्रश्न रहेंगे एक एक नंबर वाले। तो इसका उत्तर आपने, जैसे कोई भी एक प्रश्न है कि प्रसिद्ध नाटक घसीराम कोतवाल के लेखक कौन है, तो इसका आपने सीधा उत्तर देना, इसके लिए कोई एमसीक्यू नहीं होगा आपके पास। इस तरह के 80 प्रश्न आएंगे आपके लिए, जिसमें कि आपका इंडियन हिस्ट्री भी होगा, इंडियन हिस्ट्री होगा आपका मॉडर्न इंडिया, ठीक है, इंडियन पॉलिटी होगा, इंडियन इकोनॉमी होगा, इंडियन ज्योग्राफी होगा, और हिमाचल जीके, हिमाचल जीके में आपका इंडिया, हिमाचल ज्योग्राफी, हिमाचल इकोनॉमी, हिमाचल कल्चरल और हिमाचल सोशोलॉजी, मतलब जो भी सोशलिटी जो भी होता है सामाजिक, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मतलब जीके में आएगी, ठीक है। 80 नंबर में एक एक नंबर का जो प्रश्न आएगा इसमें ये सब चीज़ें आएगी, ठीक है। तो आप इसके लिए बेहतर है कि जब आप प्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी समय मतलब इस तरह से पढ़ लें, कि आपको ज़्यादातर आदत ये नहीं होनी चाहिए कि आप एमसीक्यू बेस्ड पर ही डिपेंड रहें। तो अगर आप एमसीक्यू पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं तो आपका मेंस में दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको डिस्क्रिप्टिव थोड़ा ज़्यादा लिखना है फिर अपनी ओर से चेप देंगे कुछ नहीं। 80 नंबर की जो ये क्वेश्चन है ये वन लाइनर जीके वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जो दूसरा प्रश्न आएगा इसका 20 नंबर का, तो ये आएगा आपको एक ऐसे लिखना होगा संक्षिप्त छोटा सा, ठीक है। तो ये जैसे हिमाचल प्रदेश के मेले और त्योहारों पे ये एक निबंध आया था, ठीक है, ये 20 नंबर का था। तो ये हो जाते हैं 100 नंबर, और एक टॉपिक आता है ऐसा कि उसमें आपको अपने विचार प्रस्तुत करने, ये भी 20 नंबर का आता है, ठीक है। जैसे इसमें पूछा था भारत में हाल में बढ़ते साइबर अपराधों पर विचार प्रस्तुत कीजिए, तो इस तरह के मतलब मैं आपके साथ ये क्वेश्चन पेपर शेयर कर दूंगा। बाकी आप पीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं ये वाले पुराने क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और इस पुराने क्वेश्चन पेपर को देखते हुए आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, उस तरह से पढ़िए, उस तरह उसका ट्रेंड पकड़िए किस तरह से क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है मेंस का। देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स का मेन रोल है मेंस में भी, ये देखिए 20 नंबर का, और एक विश्व की राजनीति में भारत के बढ़ते दबदबे पर टिप्पणी कीजिए, 20 नंबर का ये भी है, और एक 20 नंबर का और है 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में के मुख्य पहलुओं पर विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए, तो अब 20 नंबर का ये भी है। तो मतलब कुल मिला के करंट अफेयर्स का भी काफी रोल है मेंस में, ठीक है। और करंट अफेयर्स का ऐसा रोल नहीं कि आपने एमसीक्यू रट लिए, वो नहीं भैया, यहाँ पे आपको डेली न्यूज़ एनालिसिस करनी है, ठीक है। पिछले एक बोले तो 2017 की और बड़ी अच्छी अच्छी घटनाओं की अच्छे से विश्लेषण, कोई राष्ट्रपति का इलेक्शन, कोई विवादित इलेक्शन, या कोई कोई ऐसे मतलब धरोहर के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, हर एक प्रकार के एस्पेक्ट्स होते हैं उनको क्लियर करने होते हैं, ठीक है। और एक प्रश्न आता है ऐसा कि 20 नंबर का, 20 नंबरों के होते हैं कि कौन सा समाचार में कौन सी जगह क्यों क्यों किस कारण से आई थी, तो ये 20 नंबर के होंगे, 10 होंगे 2 नंबर के, ठीक है। और 20 नंबर के आएंगे कि कौन से हाल फिलहाल में समाचार में जो प्रसिद्ध रहे, मतलब चर्चा में आए थे, क्यों आए थे, ये भी 20 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके 200 नंबर का पूरा हो जाता है। तो इसके लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल रहेगा जो मैंने आपको सजेस्ट किया है प्री में ही, वो ही मेंस के लिए भी है। बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा ये हो जाता है कि आपको करंट अफेयर्स एकदम डिटेल से, डेली न्यूज़ एनालिसिस देखिए, पुराने डेली न्यूज़ एनालिसिस देखिए, आप राज्यसभा टीवी के जितने भी पुराने डेली न्यूज़ एनालिसिस है आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, राज्यसभा टीवी, ठीक है, आप ध्यान से नोट कर दीजिए, राज्यसभा टीवी, वहाँ के जितने भी टॉपिक पे डिस्कशन है उनको देख लीजिए, मेंस में काम आने वाले हैं वो आपके, ठीक है। बाकी जो ये प्रसिद्ध लोग हैं इनके बारे में जो जो चीज़ें भी निकलती है नया नया जो ज़्यादा अच्छा किया जाता है उसके बारे में जरूर मेंस में पूछा जाता है कि ये चीज़ क्या है। जैसे यहाँ पे पंकज महाराजा कौन है, ये मतलब ये क्यों चर्चा में आए थे, न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटचू कौन है, इनके मतलब इस तरह से कि ये क्यों चर्चा में थे, तो उनके बारे में लिखना पड़ेगा कुछ नहीं, तो आपको कम से कम 50 वर्डों में तो लिखना ही पड़ेगा, 50 वर्ड के करीब में, ठीक है। तो इस तरह से इस चीज़ को क्लियर करना है। तो अगर आपको जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको कुछ नहीं तो 25 वर्ड तो लिखना ही पड़ेगा भैया, 25 वर्ड वर्ड की लिमिट छोड़िए, टोटली एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा टॉपिक जो पूछा होगा, ठीक है। तो आपको मेंस में इस तरह से स्टडी करनी है। तो
आपको जो मैंने सजेस्ट किया यूट्यूब को आप टोटली हमेशा फॉलो करते रहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यदि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, तो मेरी सब चीज़ें बकवास लगने वाली है आपको, ये मुझे पता है। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कभी भी एडवांस स्टडी के तरीके नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर अगर वो आपको एडवांस स्टडी के तरीके बताएंगे तो उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्यों जाएंगे आप। तो इसलिए एडवांस स्टडी करना बहुत जरूरी है भैया। अगर कोचिंग पर डिपेंड करेंगे ना, तो कोचिंग वाले बहुत कम सिलेक्शन लेते हैं। वो कोचिंग वाले आप बोलते हैं ना कि उन्होंने वहाँ से सिलेक्शन ली, वो जब कोचिंग लेके आते हैं ना, उसके बाद सेल्फ स्टडी करते हैं 1-2 साल, तब उसके बाद सिलेक्शन होती है, ठीक है। बाकी ज़्यादातर लोग, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं और एग्जाम फाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब स्टडी मटेरियल पर डिपेंड करता है कि किन के पास ज़्यादा, जो ज़्यादा अच्छी चीज़ें पढ़ेगा, जो ज़्यादा सेलेक्टिव पढ़ेगा, वही सिलेक्शन लेगा, ठीक है। तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे इसका अलाइड का पुराना सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, प्री का 15 का भी, 2016 का भी, और जीके के ऊपर स्पेशली मैं मतलब अलाइड के लिए स्पेशली हिंदी की भी वीडियो बनाऊंगा, और जीके के लिए स्पेशली सीरीज बनाऊंगा, मतलब टेस्ट सीरीज टाइप के, जिसमें 25-25-30-30 प्रश्न होंगे हिमाचल जीके के भी और अन्य जीके के भी, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ समय बाद मतलब डेली आते रहेगी आपको, वीकली तो कोई ना कोई वीडियो मिल ही जाएगा अलाइड के, मतलब अलाइड के एग्जाम के ऊपर, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तो जुड़े रहिए पीएसडी के साथ।